बॉक्स ऑफिस पे सुनामी क्या होता है? शाहरुख खान से पूछो, पहले पठान और अब जवान। भाई साहब, सारे के सारे बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड एक के बाद एक टूट रहे हैं। रिसेंटली जवान ने 500 करोड़ क्लब क्रॉस कर लिया है इंडिया में नेट कलेक्शन, और वो बस 13 दिन में किया है। इट हैज़ बिकम अ मूवी टू क्रॉस 500 करोड़, और वो भी सबसे जल्दी। इससे पहले रिकॉर्ड था गदर के नाम पे, गदर 2 ने 17 दिन में 500 करोड़ क्रॉस किया था इंडिया में, और जवान ने 13 दिन में कर दिया है। और जवान से पहले पठान ने 18 दिन में 500 करोड़ क्रॉस किया था इंडिया में, और 500 करोड़ का एक क्लब ओपन किया था फॉर हिंदी मूवीज़। एकदम अनइमेजिनेबल है भाई साहब, एक साल में 2 500 करोड़ क्लब की मूवी दे रहा है शाहरुख खान। हो सकता है वर्ल्ड वाइड जवान 1000 करोड़ क्लब क्रॉस कर दे। किसी ने ये नहीं सोचा था जब शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर, जिन्होंने पिछले कुछ सालों में, हम हमेशा उनको कहते थे बादशाह ऑफ बॉलीवुड, किंग खान, और हम ये भी कहते थे कि यार किंग खान का जादू कम हो रहा है। जैसे हम देख सकते हैं पिछले एक डिकेड में, जब से माय नेम इज़ खान रिलीज़ हुई उसके बाद से शाहरुख खान की मूवीज़ बॉक्स ऑफिस पे इतना कमाल नहीं कर पाई। उनके जो कलीग्स थे, जैसे हम आमिर खान देख सकते हैं, सलमान खान, उनकी मूवीज़ बढ़िया करती थी, शाहरुख खान की मूवीज़ हिट हो रही थी, लेकिन जो कलेक्शन और रिकॉर्ड ब्रेक थे ना, वो नहीं हो पा रहे थे। लेकिन फिर ज़ीरो आई, और ज़ीरो ने सबकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। शाहरुख खान को 5 साल का रेस्ट लेना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ ज़ीरो, क्योंकि ज़ीरो हो गई फ्लॉप। बहुत उम्मीदें थी, लेकिन शाहरुख खान की मूवी इतना कम कलेक्शन करेगी किसी ने सोचा नहीं था। एंड आफ्टर दैट शाहरुख खान मेड अ कमबैक आफ्टर 5 ईयर्स विद पठान। बॉयकॉट्स भी हुए, हर तरीके का बैकस्लैश हुआ, लेकिन फैंस ने शाहरुख खान को सपोर्ट किया एंड दैट मूवी क्रॉस 500 करोड़, और वर्ल्ड वाइड 1000 करोड़ क्रॉस कर लिए। इसके साथ साथ जब पठान ने 1000 करोड़ क्रॉस कर लिए, तो लोग बोल रहे थे यार ये तो फ्लूक है, मतलब लोग इमोशन में बह के चले गए देखने के लिए। तो जवान बहुत बड़ा एग्ज़ाम था, बहुत बड़ी टेस्ट है शाहरुख खान के लिए, एंड उस टेस्ट पे जवान बहुत अच्छी तरह से खरी उतरी है। जवान ने इंडिया में 500 करोड़ क्लब क्रॉस कर लिया है, और अब शाहरुख खान की थर्ड मूवी इसी साल आने वाली, जिसका नाम है डंकी। और सबकी ये उम्मीद है कि राजकुमार हिरानी, जिनके लिए स्पेशली लोग घर से बाहर निकलते मूवी देखने के लिए, और राजकुमार हिरानी की मूवीज़ एक से बढ़कर एक होती है, क्या शाहरुख खान के साथ वो फिर से कमाल कर पाएंगे? देखना बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। क्या आप वेट कर रहे हैं शाहरुख खान के डंकी के लिए? आई एम वेरी एक्साइटेड। आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए, और प्लीज़ यार चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं द नेक्स्ट वीडियो।